सो हैलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्राम टू थाउजेंड इलेवन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जितने भी क्वेश्चन हमारे आए हैं अब तक आई जेसओ में हम वो सारे क्वेश्चन को डिसकस करेंगे प्रीवियसली अदर चैप्टर्स के भी कम्प्लीट हो चुके हैं यू कैन गो एंड चेकआउट दैम सो so, आज शुरू करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की क्या क्वेश्चंस हम देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर्स में कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं कौन कौन से टाइप्स हैं कहां कहां से क्वेश्चन किस टॉपिक से उठ के आ सकता है मेटल एंड नॉन मेटल से तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट अब डोलोमाइट की बात करते हैं तो डोलोमाइट क्या है इट इज अ ओर ओर क्या होते हैं जहाँ से हम प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियनटली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओके okay? सो हेयर वी सी कि करेक्ट फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट अब डोलोमाइट किसका है बेटा तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर डोलोमाइट अगर हम देखने जाएं तो इट इज़ अ कैल्शियम एंड मैग्नीजियम्स कार्बोनेट क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैगनीजियम कार्बोनेट्स आर कम्बाइंड ठीक है तो डोलोमाइट इज़ अ ओर अगर हम बात करें तो ये मैग्नीजियम का ओर है बट साथ में कौन अटैच है इसके कैल्शियम कार्बोनेट इट इज़ अ ओर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डॉट एम जी सी ओ थ्री ओके कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इससे हमें मेटल कौन सा मिलता है कि सर मेनली मैग्नीशियम के लिए तो डोलोमाइट इज अ अर ऑफ मैग्नीजियम इस ओर का फॉर्म अगर आप देखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट डॉट एम जी सीओ थ्री ओके मैग्नीशियम कार्बोनेट लेट्स मूव टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन कि द एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द कंपाउंड बारेटा अब बारेटा किसे बोलते हैं सर ठीक है बैरियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं बारेटा बोलते हैं क्या बोलते हैं बारेटा कि इनमें इन से कौन सा एलिमेंट बैरियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन सॉरी बोरोन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड बैरियम अब सबसे पहले बात करते हैं कि बारेटा क्या है इट इज बैरियम हाइड्रोक्साइड डॉट एक्स एस टू ओ क्या है बैरियम हाइड्रोक्साइड डॉट एक्स एस टू तो यहाँ पे हमें कौन कौन से एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं सर एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन सेम इधर एंड एक बैरियम क्या नहीं है इज बोरोबसेंट इन बारेटा ओके लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स हमें एक्टिविटी सीरीज मेटल्स की पता ही है ठीक है अगर नहीं पता तो आई राइट इट डाउन Ferrari. ठीक है अब हमें यहां से पूछेगी सर करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज तो हम यहां से देख सकते हैं कि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फर्स्ट ऑप्शन देखते ही हमारा आंसर आ गया तो यस ऑप्शन इज ए करेक्ट बहुत इजी क्वेश्चन है कुछ टाइम ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो डोंट थिंक कि सर ऑलवेज इससे नहीं बट या सी रिएक्टिविटी सीरीज से भी आ रहा है ओ से भी आ रहे हैं क्वेश्चन ओके नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें टू लिबरेट ऑक्सीजन ठीक है वेन वी टॉक अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड एन को करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं हम ठीक है जिंक हाइड्रोक्साइड की बात करोगे तो वहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड मिलेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कॉपर हाइड्रोक्साइड सी ओ बट अगर जब हम बात करते हैं मर्करी हाइड्रोक्साइड की एच जी ओ की जब HgO एच जी ओ को हीट किया जाता है ठीक है तो इट विल डिकम्पोज इन मरकरी एंड ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन हमें किस में मिलेगी सिर्फ मरकरी हाइड्रोक्साइड में अंडरस्टूड बाकी किसी में भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी बिकॉज दे फॉर्म दियर ऑक्साइड्स इन दैम

जिंक तो जिंक अब कम्स अब हाइड्रोजन तो इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डायल्यूट एच सी एल देन की बात करें इट विल ऑल्सोन सिल्वर एंड कैल्शियम कैल्शियम आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा बिकॉज सिल्वर कम्स बिलो द रिएक्टिविटी सीरीज इट इज लेस रिएक्टिव सो इट विल नॉट डिस हाइड्रोजन फ्रॉम डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमंग द सिक्सटीन राइट एंड रॉन्ग मार्क्स हाउ मैनी केसेज आर इनकरेक्ट इनकरेक्ट केसेज देखने हैं राइट साइन हमें शो करेगा हमेशा क्या कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है एंड रॉन्ग क्या शो करेगा कि नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स फर्स्ट थिंग मैग्नीशियम की बात करते हैं इन्होंने क्या बोला है कि स्ट्रिप ऑफ मेटल मैग्नीशियम की स्ट्रिप डाली एम जी एस ओ फोर में इन्होंने कहा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि मैग्नीशियम विल नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम ओके okay, तो ये सही है दूसरा देखते हैं मैग्नीशियम इज पुट इन जिंक ठीक है याद आ गया कटरीना ने कार मांगी एल्टो जेन यानी मैग्नीशियम ऊपर आता है जिंक नीचे आता है क्या जिंक मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है जिंक को कि हाँ सर करेक्ट है ओके देन मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है लेड को यस सर देन मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है एफ -E को तो हम क्या कहेंगे कि यस सर इट विल ऑल्सो डिस्प्लेस इट ओके नेक्स्ट देखते हैं अब कहां, कहां पर क्या क्या गलत है हमें यह देखना है कि हाउ मेनी केसेस आर इन करेक्ट जिंक एंड मैग्नीजियम ठीक है तो क्या जिंक मैग्नीजियम को डिस्प्लेस कर सकता है नहीं कर सकता नेक्स्ट देखते हैं जिंक कैन डिस्प्लेस जिंक नहीं दे रखा है सही है जिंक कैन डिस्प्लेस पीबीएसओ फोर जिंक कैन डिस्प्लेस PbSO4 फोर पर इन्होंने क्या कहा कोई रिएक्शन नहीं होगी तो फर्स्ट तो यही हो गया हमारा सेकेंड देखते हैं जिंक एंड एफ फोर ठीक है तो जिंक कैन डिस्प्लेस पर इन्होंने क्या कहा नहीं होगा सेकेंड ठीक है फिर बात करते हैं एफ वी कैन डिस्प्लेस एम जी डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन ये नहीं होगा तो एक हमारा ये हो गया नेक्स्ट देखते हैं ठीक है एफ कैन डिस्प्लेस दैड एन नहीं इन्होंने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट होगा बल्कि नहीं होगा इट इज लेस रिएक्टिव नेक्स्ट देखते हैं एफ कैन डिस्प्लेस लेड सही है नेक्स्ट देखते हैं एफ कैन डिस्प्लेस एफ एसओ फोर इन्हों कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी हां नहीं होगी हमें पता है देन देखते हैं लेड को डाला एमजीएसओ फोर में इन्होंने का डिस्प्लेसमेंट होगा जबकि हम क्या कह रहे हैं नहीं होगा लेड को जेड एन एसओ फोर में यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी इन्होंने कहा यहां डिस्प्लेसमेंट होगा जबकि यहां डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा पीबी कैन नॉट डिस्प्लेस पीबी फ्रॉम इट सॉल्ड सोल्यूशन नेक्स्ट देखें पीबी कैन डिस्प्लेस एफ वी एसओ फोर नो सर तो एक ये ऑप्शन हो गया ठीक है अब स्टिल दे आर लॉस ऑफ ऑप्शन ओवर देट्स मैग्नीजियम कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीजियम करेक्ट मैग्नीजियम कैन डिसप्लेस जिंक बताओ तो यस मैग्नीजियम कैन डिस्प्लेस जिंक सही बोला मैग्नीजियम कैन डिस्प्लेस पीबी एसओ फोर कर सकता है लेकिन इन्होंने क्या कहा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम कैन इन्होंने ऑप्शन दिया सही तो ऑप्शन यही पूछा हाउ मेनी केसेज आर इनकरेक्ट करेक्ट देर आर नाइन केसेज विच आर इनकरेक्ट अंडरस्टूड लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल टर्न्स ब्लैक वेन कैप्टेन ओपन है क्योंकि सिल्वर आर्टिकल क्या होता है सर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं सल्फर के कुछ कंपाउंड्स होते हैं सल्फर के कुछ कंपाउंड्स होते हैं लाइक एस टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड इट रिएक्ट्स विद दो सल्फाइड ई जी एस अगर हम यही बात करते हैं ठीक है तो सिल्वर सल्फाइड द आर्टिकल वेन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग जैसे हम उसे फिर से क्या करते हैं टूथपेस्ट से रब करते हैं हमें फिर से क्या होता है कि वो शाइनिंग सर्फेस मिलती है यानी दैट ब्लैक कोटिंग इज रिमूव तो ऑप्शन क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट इन टूथपेस्ट तो ये बिल्कुल गलत है सेकंड हाइड्रेटेड सिलिका प्रेजेंट इन टूथपेस्ट रिएक्ट टू गिव सिल्वर ऑक्साइड तो सिंपली जब सिल्वर आर्टिकल को हम रखते हैं तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड क्या मिला हमें सिल्वर सल्फाइड ए ठीक है द हाइड्रोजन परोक्साइड ठीक है अगर इसकी बात करें तो कॉमनली फाउंड इन अगर हम इसकी बात करें तो हम यहां क्या बोलेंगे कि हाइड्रेटेड सिल्का ठीक है प्रेजेंट एंड ओवर दैट के इट फॉर्म सिल्वर सल्फेट ठीक है अब यहां पे दो चीजें सही है कि सर उसमें कार्बोनेट्स भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है अगर हम बात करें कि कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट इन टूथपेस्ट रिएक्ट विद सिल्वर सल्फाइड टू गिव सिल्वर कार्बोनेट अब यहां पे दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं दो यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं लेकिन हमारा आंसर क्या होगा कि हाइड्रेटेड सिलिका सिलिका विल रिएक्ट सिल्वर सल्फाइड मेटल विदाउट एनी कि अगर हमने सर उसे धोया तो क्या कोई स्क्रैचेस आएंगे कुछ और आएगा नहीं कुछ भी नहीं होगा सिर्फ सल्फर वहां से रिमूव होगा

एल्यूमिनियम फ्रॉम एट्स ऑक्साइड यानी ऑप्शन क्या होगा एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है एल्यूमिनिया से ए ठीक है इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं इट इज़ मिक्सड विद फ्लोर स्पा एंड क्रायोलाइट फ्लोर स्पा और क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है क्योंकि हमें पता है सर आयरन अगर हम एल्युमिनिया की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट ना पहुँचा के हम क्या करते हैं उसके अंदर फ्लक्स एड करते हैं फ्लक्सेज ऐड करते हैं फ्लक्स तो हम इन्हें ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट गेट डिक्रीज उसका मेल्टिंग और जल्दी मेल्ट हो जाएगा लो टेम्परेचर पे जिससे हमें जल्दी से क्या मिलेगा बेटा बताओ जल्दी से हमें क्या मिलेगा कि भैया वो मॉल्टन स्टेट में है नाउ वी कैन रिमूव दैट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड वी कैन गेट आर एल्यूमिनियम आउट ठीक है तो कोई पूछ ले इन दोनों को क्यों ऐड किया जाता है एज अ फ्लैक्स ऐड किया जाता है सो दैट इट कैन लोअर द मेल्टिंग पॉइंट एंड मेक्स इट मोर कंडक्टिंग अंडरस्टूड क्योंकि हमें पता है कंडक्शन कैन हैपन इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट इसको मोल्टन करना है तो इसके लिए हमने क्या किया फ्लो और क्राइलाइट ऐड किया ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हम डिक्रीज कर सके ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए ओके लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन कि रस्ट इज अ फॉर्मुला अब रस्ट को हम कैसे पढ़ते हैं एफ टू ओ थ्री एफ थ्री ओ फोर डॉट एक्स एस टू ऐसे बोलते हैं एफ एस ओ बोलते हैं एफ थ्री ओ फोर डॉट एक्स एस टू हेयर ये एफ थ्री ओ फोर भी कैसे मिलता है हमें एफ एंड एफ टू ओ थ्री फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड and फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड और वैसे नेमिंग क्या देते हैं टे आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड हाइड्रेटेड आयरन सेकेंड थर्ड यानी सेकेंड वैलेंसी भी थ्री वैलेंसी भी शो कर रहा है मल्टीपल वेरिएबल वैलेंसी की बात कर रहे हैं ठीक है तो रेस्ट इज अचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन थर्ड तो रेस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ एफ टू ओ थ्री एंड एफ ओ एच होल थ्राइस यानी एफ वी थ्री ओ टू सिक्स एस टू गिव फोर एफ एच होल थ्राइस यानी हमारे लिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ एफ टू ओ थ्री प्लस एफ एच होल थ्राइस अंडरस्टूड एवरी वन अगर आपको ये भी दिखता है कि सर सिर्फ यही ऑप्शन में गिवन है तो ये भी करेक्ट है अंडरस्टूड एवरी वन लेट्स मूव टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ अ फायर क्रैकर्स बर्न विद एमिशन ऑफ रेड लाइट ठीक है जैसे हमने कोई फायर क्रैकर बर्न किया हम देखते हैं आसमान में जाने के बाद ठीक है दे गिव डिफरेंट कलर्स वॉट दे हैव तो आप क्या बोलोगे डेजलिंग व्हाइट लाइट दिख रही है जैसे हम फुलझड़ी वगैरा जलाते हैं डिंग व्हाइट लाइट दिखती है दिख किसकी वजह से दिखती है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है मैगनीजियम के वायर्स होते हैं मैग्नीजियम बर्नस हुए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम तो ऐसे ही इसमें पूछा कि रेड कलर किसकी वजह से आया विच कैटाइन इज इट लाइकली टू कंटेन कौन सा कैटैन होगा उसके अंदर तो अगर हम बात करें क्योंकि स्टेबल नहीं है स्टेबल होगा ठीक है तो अगर हम लीथियम की बात करते हैं तो लीथियम गिव्स रेड फ्लेम कॉपर वेन बर्न्स इट गिव्स ब्लूइश ग्रीन फ्लेम आयरन बर्न्स तो एकदम हमें कैसा दिखता है गोल्ड जैसा फ्लेम दिखता है ठीक है एंड सोडियम बर्न्स विथ गोल्डन येलो फ्लेम तो हमारे पास आंसर क्या पूछा कि रेड कलर लाइट किसने दी तो हम क्या लगाएंगे आंसर हमारा आंसर क्या होगा लिथियम लिथियम ऑन बर्निंग गिव्स रेड कलर फ्लेम अंडरस्टूड लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट्स ए बी एंड सी एटॉमिक नंबर्स एक का एटॉमिक नंबर एक्स है एक का एक्स प्लस वन एंड एक का एक्स प्लस टू रेस्पेक्टिवली सी इज एल्कली मेटल अगर सी हमारा एल्कली मेटल है यानी फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है ठीक है तो इससे जस्ट पहले ये जो एक्स प्लस वन है ये कौन हो जाएगा हमारा जल्दी से बताओ एक्सप्ल वन की अगर हम बात करें तो वो कौन हो गया हमारा लाइन से दिए हैं हमें एक्सप्ल वन की बात करते हैं ठीक है ए reacts विद अनोदर एलिमेंट किसी वाई एलिमेंट से टू फॉर्म अ कंपाउंड ए वाई बिलोंग टू द सेम ग्रुप बिलोंग टू द सेम ग्रुप ए वाई पजेज एन

फ्रॉम एल्कली मेटल्स फैमिली फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट वी रीच इनर्ट गैस फैमिली सीरीज दैट इज एट एनिस्ट पहले हमें कौन मिलता एटीन मिलता ओकेमेंट ए विदॉमिक नंबर एक्स मस्ट बी एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू द हेलोजन ग्रुप तो अगर एटीन की बात करें तो ये कौन था हमारा एक्स प्लस वन यानी इससे जस्ट पहले सेवनटीन पे कौन मिलेगा हमें हमारे सर हैलोजेंस मिलेंगे सॉल्ट प्रोड्यूसर ग्रुप तो इन्होंने कहा कि एल्कली मेटल रिएक्ट विद हैलोजन टू फॉर्म अ कंपाउंड ठीक है तो है तो बिकॉज इट कम्स फ्रॉम इनर्ट गैस ग्रुप सिंस हेलोजेंस आर नॉन मेटल वाइल एल्कली मेटल्स दे विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड तो अगर मैं कहूँ सोडियम रिएक्टेड विद क्लोरीन टू फॉर्म एन ए सी एल यहाँ पे जो बॉन्ड बना

या एटमॉस्फेयर से एस्टवो मिल गया मॉइस्चर मिल गया तो इट विल रिएक्ट विद विदम हाथों हाथ रिएक्ट करेंगे तो उन्हें सेव करने के लिए किसी ना किसी चीज के अंदर हम रखते हैं और वो जिस एटमॉस्फेयर में रखते हैं वो ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जो इनर्ट हो ठीक है जो रिएक्ट ना करे उससे तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज शुड नॉट बी यूज फॉर लीथियम की लीथियम को स्टोर करने के लिए कौन सी गैस तो अगर हम बात करें क्रोमियम ठीक है याद आ गया हीलियम नियॉन क्रिप्टन तो यहां क्रिप्टन है क्रिप्टन क्या है इनर्ट गैस है सर इट विल नॉट रिएक्ट सर नियॉन आर्गन दीज ऑल आर द गैसेज दीज ऑल आर द गैसेज ऑफ एटीन ग्रुप एलिमेंट ठीक है एटीन ग्रुप के मेंबर्स हैं ठीक है तो दे विल नॉट रिएक्ट दीज आर इनर्ट गैसेज विथ कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ठीक है तो ये तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे सर कौन सी यूज नहीं करनी अब जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन क्या है नाइट्रोजन इज ऑल्सो इनर्ट गैस बट वेन टॉक अबाउट तो को अगर आपने नाइट्रोजन में लीथियम को अगर आपने नाइट्रोजन के साथ रख दिया तो दे रिएक्ट एंड देम नाइट्राइड क्या बनाएंगे लिथियम नाइट्राइड यानी आप नाइट्रोजन के साथ Lithium को नहीं रख सकते understood? क्यों? क्योंकि वहां पे क्या बना लेगा वो लीथियम और सुपर ऑक्साइड बनने से बचाने के लिए हमें कौन सी गैस यूज नहीं करनी किसके केस में इन द केस ऑफ लिथियम तो आंसर विल बी हमारा क्या हो जाएगा नाइट्रोजन तो हमारे बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे बिकॉज दीज आर अनरिएक्टिव गैसेस ये तो कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने पूछा कौन सा यूज नहीं करना है तो हम नाइट्रोजन को यूज नहीं करेंगे बिकॉज इट विल रिएक्ट विद लिथियम टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड ओके लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन चूज दैट एलिमेंट विच इज मोस्ट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री ठीक है अब यहां पे बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं ठीक है जैसे हमने बात की कार्बन नाइट्रोजन सिलिकन एंड फॉस्फोरस दीज ऑल थ्री आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट फ वी टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए था सर नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज अ गैस अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज से अलग करेंगे सर नाइट्रोजन इज गैस बट व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग हमेशा एक बात याद रखना वी डिफरेंशिएट इट फ्रॉम दियर केमिकल प्रॉपर्टीज हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं जब ऐसा डिफरेंस करना होता है ठीक है तो यहां पर अगर आप एक चीज देखोगे ठीक है तो यहां पर अगर आप तो आंसर देखें एक और रीजन है ठीक है कि सब p4 कैटिनेशन शो करता है सर एसिट कैटिनेशन सिलिकन की बात करें si4 ठीक है सर ये भी कैटिनेशन शो करता है कार्बन भी कैटिनेशन शो करता है सर नाइट्रोजन कैटिनेशन शो नहीं करता ज्यादा ठीक है अगर हम ऐसे जाएं बट मेन रीजन क्या है कि सिलिकन इज अ मेटालॉइड इट बिहेव्स एज अ मेटल एंड इट आल्सो बिहेव एज अ नॉन मेटल सो हमारा आंसर यहां पे क्या होगा थ्रू द केमिकल प्रॉपर्टीज कि सिलिकॉन इट बिहेव एज अ मेटेलॉइड ओके मेटेड क्या होते हैं दो नॉन मेटल्स टू अंडरस्टेंड एवरी आंसर क्या हो गया इट इज अटेलॉइड सो हमारा आंसर है सिलीकन लेट्स मूव टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी एल्केमिस्ट वॉज इन पर फिलोसफर्स स्टोन ब्रांड्स मैथड इज बिलीव दैट के हैव कंसिस्टेड फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने किसी एलिमेंट को खुद से डिस्कवर किया था जिसने खुद से बताया कि एलिमेंट कैसे मिला था बामेंटिंग यूरन ऑफ ह्यूम के यूरिन को टेस्ट करके ठीक है क्वांटिटीज ऑफ यूरिन लिवस बिहाइड जब वो उनकोट कर रहा था तो वहां पर उन्हें एक ब्लैक रेसिड्यू मिला

डिजॉल्व फॉस्फेट्स होते हैं ठीक है तो ब्रांड कॉल्ड इट वॉज ला एलिमेंट कौन सा था जिसे हम क्या बोलते हैं बियर ऑफ लाइट ओके अंडरस्ट ऐसे ही हुआ था सोच के देखिए कहा से लाइक है थिंग उसने सोचा एंड ही फाउंड न्यू एलिमेंट एंड उसका नाम रखा उसने तो दो चीजें सेफ है अब इसने क्या बोला कि इनके अंदर किस किसका बनाए क्या यह आयरन मैंगनीज एंड मैग्नीजियम का है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं कॉपर क्रोमियम और मैगनीज कॉपर मैंगनीज एंड मैग्नीजियम तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा कॉपर मैंगनीज एंड मैग्नीजियम इट इज अ अलॉय ऑफ कॉपर मैग्नीज एंड मैग्नीजियम, ठीक है लेकिन किसके साथ मेन कौन है हमारा हम पढ़ रहे हैं अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीज प्लस मैगनीजियम इसका अलॉय है तो बाकी सब में देख सकते हैं हम निकल है नहीं सर क्रोमियम है ठीक है इसको क्रोमियम क्यों ऐड किया जाता था इसलिए ऐड किया जाता था टू मेक इट्स स्ट्रेंथ स्ट्रांगर एंड उसकी शाइन बढ़ाने के लिए क्रोमियम या निकल ऐड किए जाते थे ठीक है तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम प्लस कॉपर मैग्नीज प्लस मैग्नीजियम यानी ऑप्शन कौन सा है ये हो गया नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट सेट रिप्रेजेंट एम्फोटेरिक कौन से न्यूट्रल है, है और कौन से नहीं है सबसे पहली बात करते हैं सीओ टू सीओ रियक्ट विद वॉटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड यानी ये कैसा ऑक्साइड है एसिडिक ऑक्साइड है सेकेंड पे चलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड इट इज असिक ऑक्साइड एन टू ओ इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड एस टू एस टू सर एम्फोटेरिक सर कैसे सर एसिडिक को तो आज तक हमने वाटर की बात करते हैं तो न्यूट्रल ही समझा है ठीक है आई विल गिव यू अ एक्साम्पल ठीक है जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे इफ आई एम से एच टू ओ वेन डिजॉल्व इन एच सी एल एच सी एल को एच टू ओ में डालते हैं तो क्या बनता है हमें हमें मिलता है हाइड्रोनियम आयन एस थ्री ओ प्लस प्लस हमें साथ में क्या मिलता है जल्दी से बताओ सी एल माइनस आएन हमें क्या मिलता है सीएल माइनस आएन तो एच प्लस आयन आर बेसिक इन नेचर एंड दोज आयन आर एसिड तो यहां पे डोनेट कौन कर रहा है एच सी एल ये हमारा एसिड यानी इट बिहेव एज बेस इट बिहेव एज बेस सर एसिड कैसे बिहेव करेगा लेट्स सी व्हेन वी टॉक अबाउट एन एस थ्री प्लस एस टू तो हमें यहां पे क्या मिलता है एन एच फोर प्लस साथ में ओ एच माइनस यानी एस टू ओ इज डोनेटिंग एच प्लस कि सर जो डोनेट करेगा वो एसिड होगा जो लेगा वो क्या होगा हमारे लिए बेस होगा तो कैन वी सी एन एस थ्री प्लस एस टू गिव्स एन एच फोर राइट तो हमें यहां पे क्या मिल रहा है कि एस टू ओ इज डोनेटिंग अ हाइड्रोजन यहां पे ये एच प्लस दे रहा है ठीक है और यहां पर एच प्लस ले रहा है तो हु इज एवर गोना एक्सेप्ट एच प्लस इज अ बेस एंड हु इज एवर गोना डोनेट H प्लस एज एन एसिड तो यानी ये कैसी प्रॉपर्टी शो करता है एम्फोटेरिक यानी सर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है ऑप्शंस क्या है फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ तो यानी हमें फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन को चेक करना है तो अब हम सेकंड पे चलते हैं और फोर्थ पे चलते हैं इन केस टू एसओ टू की बात करते हैं ठीक है एसो तो टू की बात करें अगर हम केस टू के अंदर तो एसो टू क्या है एसिडिक ऑक्साइड है एस टू के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है एच आस टू एसओ थ्री क्या बनाएगा वो एस आस टू एसओ थ्री सल्फ्यू एसिड ठीक है फिर हम बात करते हैं एनओ की ठीक है तो एनओ क्या है न्यूट्रल ऑक्साइड है कार्बन मोनो ऑक्साइड क्या है इट इज ऑल्सो न्यूट्रल ऑक्साइड बट ए एल टू ओ थ्री इज अ क्या है ए एल टू ओ थ्री कि सर एल टू ओ थ्री इज एम्फोट एल्यूमिनियम वी नो दीज आर एम्फोट अंडरस्टेंड एवरी वन लेट सी नेक्स्ट ये ऑप्शन तो हमारा गलत क्योंकि इन्होंने बोला था पहला कैसा होना चाहिए था एसिडिक सही है दूसरा बेसिक होना चाहिए बट इट इज न्यूट्रल इन नेचर लेट्स मूव टू दी टू ओ फाइव तो पीटू फाइव इज एसिडिक जिंक ऑक्साइड अब जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं तो इट इज़ अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इट बिहेव एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस तो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इन्होंने पूछा था बेसिक होना चाहिए बेसिक है ये नहीं है एन की बात करें न्यूट्रल है एल टू ओ थ्री की बात करें एम्फोटेरिक है यानी यहाँ पे ये ऑप्शन भी हमारे लिए गलत हो गया बचे कौन से ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ हमें ऑप्शन मिल रहा है डी हम करेक्ट कर सकते हैं बट फिर भी हम देख लेते हैं एसओ थ्री रिएक्ट्स विद वाटो अगर हम इसको देखें तो वॉट इट विल फॉर्म इट विल फॉर्म एस टू एस फोर कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड एन टू ओ इज अट्रल ऑक्साइड और पी बी ओ सर ब्लैड इज ऑल्सो एम्फोटरिक्लैड इज ऑल्सो एम्फोटरिक ठीक है अगर हम बात करें पी बी ओ की तो पी बी ओ रिएक्ट विद एच सी एल टू फॉर्म पी बी सी एल टू प्लस एच टू ओ यहाँ ये एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है ये रहा एसिड बट वेन वी रिएक्ट पी बी ओ वेन वी रिएक्ट पीबीओ विद एन एच सोडियम हाइड्रोक्साइड वेन वी रिएक्ट दिस तो हमें क्या मिलता है एन ए टू पीबीओ टू यानी सोडियम प्लम्बाइट क्या मिलेगा हमें सोडियम प्लम्बाइट क्या मिलेगा सोडियम लॉन्ग यानी एक सॉल्ट तो यहाँ पे ये तो हमारा बेस है हमें पता है बट इट इज बिहेविंग एज एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर साथ में क्या मिल जाएगा हमें हमारा H2O अंडरस्टूड तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शंस कौन से सही हैं फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट तो हमारा आंसर क्या हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ नाउ यू अंडरस्टैंड कि एसिडिक बेसिक न्यूट्रल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ओके नेक्स्ट देखते हैं जिंक प्लस CuSO4 reaction फोर रिएक्शन correct. Zinc करेक्ट जिंक प्लस एल टू ओ फोर ठीक है इन्होंने बोला रिएक्शन डज नॉट अकर सही बात है जिंक इज लेस रिएक्टिव ठीक है जिंक प्लस ए जी इन्होंने का रिएक्शन नॉट अकर बट रिएक्शन तो होगी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर इट विल डिस्प्लेस इट तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया विच ऑफ द अब स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट हमें दिख रहा है थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमें सीधा आंसर मिल रहा है हम थर्ड को लिख सकते हैं देखो यहां पे रिएक्शन हो रही है जिंक नाइट्रेट बन रहा है जिंक सल्फेट बन रहा है यहां पे नो रिएक्शन लास्ट वाले में इन्होंने क्या बोला रिएक्शन अकर यस जिंक विल डिस्प्लेस लेड फ्रॉम इट्स नाइट्रेट ओके तो हमारा ऑप्शन का आंसर सही नहीं है थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट इन्होंने बोला रिएक्शन नहीं होगी बट रिएक्शन हो रही है ओके लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is incorrect? Thik hai. Chalcolite, copper, se, magnetite, iron, se, galena, lead se, and calamine with aluminium. So chalcolite is the ore of copper formula CU2S. When we talk about magnetite is fe 30 4 yeah, it's an ore of iron. When we talk about calamine, calamine is an ore of zinc. बट इन्होंने क्या बोला कि सर ये एल्यूमिनियम का और है जो गलत है यानी ऑप्शन कौन सा हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट यही इनकरेक्ट है गैलेना की बात करें तो यस इट इज लेड सल्फाइड अंडरस्टूड इट इज अर ऑफ लेड तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया कैलेमाइन कैलेमाइन इज अर ऑफ जिंक इट इज कार्बोनेट ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन फोर गैस जार्स फिल्ड विथ सल्फर डाईऑक्साइड वे आर इन्वर्टेड इंटू ट्रफ्स ऑफ वाटर बाई फोर स्टूडेंट्स पी क्यू आर एज़ द फॉलोइंग ऑब्जरवेशन एंड इंटरफेंस वर रिपोर्टेड बाय दैम अब पहला ऑप्शन क्या है कि वाटर डिड नाट एंटर द गैस जार एंड सल्फर डाई ऑक्साइड इज सॉल्यूबल इन वाटर अगर सल्फर डाईऑक्साइड मैंने क्या कहा कि ये मेरा कोई गैस जार है इसके अंदर हमारे पास क्या है एसओ टू गैस है और नीचे हमने इसे किस में रखा है यहाँ पर हमारे पास क्या है है। अगर ये सॉलिबल होता तो वाटर को कहां जाना चाहिए था अंदर क्योंकि वो सॉलिबल होता जाता है एंड वाटर उसके अंदर जाता था बट इन्होंने क्या कहा कि डू नॉट एंटर यानी ये ऑप्शन तो हमारे लिए गलत हो गया ठीक है तो इन्होंने पूछा है कि द करेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इनफॉर किसने रिपोर्ट किया था ठीक है तो P गलत है सल्फर डाइऑक्साइड इज सॉल्यूबल सल्फर स्पैरिंगली ऑक्सा इट इज नॉट कम्पलीटली कि आपने एसो लिया वाटर लिया एंड विल डिजॉल्व इन ईच अदर बहुत लाइट अमाउंट में वो क्या होता है उसके अंदर सोलिबल है स्पैरिंगली बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट उसका सोल्यूबल है तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारे लिए बट अगर एक चीज देखें इसकी बात क्या है स्पैरिंगली सोल्यूबल अब यहां पे एक चीज नहीं थी नेक्स्ट चीज देखो थर्ड ऑप्शन देख लेते पहले नॉट एंटर होगा क्योंकि वो सॉल्यूबल इन वाटर तो किस बच्चे का आंसर सही था एस का सही था यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज ऑब्जेक्शन स्टूडेंट क्यू करेक्ट बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड इज सॉल्यूबल इन वाटर देन वाटर इज रस्ड इन जार तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है आंसर्स में बट आई टेल यू कि यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सल्फर डाइऑक्साइड इज सल्फर डाइऑक्साइड इजिंगली सॉल्यूबल एंड द स्टूडेंट वाज नॉट क्यू स्टूडेंट वाज एस देन द वाटर इज रस्ड इनटू टू द जार स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉटर यानी यहां लिख दोगे स्मॉल अमाउंट और वाटर रस्ड इन जार यानी किस बच्चे का सही था एस का सही है यानी क्यू इज़ ऑल्सो रॉन्ग एस इज़ करेक्ट ओके क्योंकि वाटर बहुत कम स्लोली एंटर होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर क्योंकि इट इज़ इस्पैरिंग सॉल्वबल कंप्लीटली सॉल्यूबल होता तो वाटर पूरा ही भर जाता ना उसके अंदर तो पहले वाले ही सही हो जाते बट नहीं ये गलत है हमारा ऑप्शन कौन सा सही है एस यानी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट स्टूडेंट एस ऑब्जर्व राइट कि इट इज स्पायरिंगली थोड़ा सा ठीक है इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल ऑफ एक्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन वाई के अंदर सिक्स डब्ल्यू के अंदर फोर एंड जेड के अंदर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एक्स एंड वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 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 एक्स वाई इज़ मोर देन देन किस किस का डब्ल्यू यानी फोर एंड वन ठीक है एंड जेड डब्ल्यू एंड जेड के बीच में जो कंपाउंड बनेगा फो एंड वन के बीच में जो कंपाउंड बनेगा ठीक है उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा सेकेंड इज कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एक्स एंड वाई इज मोर वॉलेटाइल डब्ल्यू एंड जेड जबकि जब एक्स जब और वाई की बात कर रहे हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रही है ठीक है तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया कि कंपाउंड फॉर्म इज वॉलेटल वॉलेटाइल नहीं होगा एन को देखें इट इज नॉट वॉलेटाइल कंपाउंड ओके थर्ड देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाई एक्स एंड जेड एक्स एंड जेड कोई कंपाउंड ही फॉर्म नहीं होगा बोथ आर गिविंग आउट द इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर गिंग बोथ आर मेटल्स मेटल्स की बात करें मेटल मेटल आपस में कोई रिएक्शन नहीं करेंगे थर्ड देखते हैं इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन सो इनफरेंस कैन नॉट बी रॉन नहीं इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं information is complete, तो है इंफॉर्मेशन इज कम्प्लीट तो ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज आयनिक कंपाउंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन कोवेलेंट एंड कंपाउंड इन्होंने क्या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय एक्स एंड वाई इज मोर करेक्ट क्योंकि यहां किस किस के बीच में बन रहा है यहां जो बॉन्ड बनेगा अगर हम इसको देख लें कार्बन है सामने से हमने किसी और को ले लिया तो अगर हम यहां पे बात भी करेंगे तो एक्स एंड जेड के बीच की बात चल रही है सॉरी किस किस के बीच की बात चल रही है डब्ल्यू एंड जेड तो डब्ल्यू ये रहा हमारा और जेड हमारा ये रहा यानी यहां बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड और एक्स और वाई के बीच में बनेगा आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्म्स एंड एक्सिबिट्स वेरियस एलोक्ट्रोपिक फॉर्म्स ठीक है सम कंपाउंड ऑफ एलिमेंट वाई फाइंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ओके सर वाई फॉर्म्स टू सॉलिड ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वॉटर टू फॉर्म कम्पेटिवली वीक एसिड ये वीक एसिड बनाते हैं तो एलिमेंट वाई क्या है पहली बात करते हैं सल्फर सल्फर के भी हमें क्या मिलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स मिलते हैं नाइट्रोजन की बात करें नहीं मिलते कार्बन की बात करें आदे हो ठीक है बट नॉट वाइट वन ठीक है तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास की सर फॉस्फोरस होगा सल्फर नहीं होगा द मोस्ट कॉमन टाइप्स आर वाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस एंड हमें एक और मिलता है हम ब्लू को भी बोलते हैं ठीक है वाइट एंड रेड अगर यहाँ पे बात करें वाइट फॉस्फोरस इज पॉइजनस वेरी पॉइजनस इसे रेड पॉइजनिंग वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है एंड रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस को हमारे मैच स्टिक्स की मैच बॉक्स बनाने के लिए ठीक है उनके टिप बनाने के लिए एंड उनके कवर्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है ओके okay? अब इन्होंने नेक्स्ट क्या बोला कि ये जो वाइट है ये दो ऑक्साइड्स बनाता है कौन कौन सा ऑक्साइड है पी फो रोटेन एंड पी फो ओ सिक्स टिवली वीक एसिड अगर हम इनको किसके अंदर ऐड करें बेटा एस टू ओ के अंदर तो ये क्या दे रहे हैं हमें एस थ्री पीओ फोर एंड एस थ्री पीओ थ्री फॉसफॉरस एसिड एंड आर वीक एसिड्स। दीज एसिड्स आर वीक एसिड अगर इनके डायग्राम की बात करें तो ऑक्सीजन यहां पर डबल बॉन्ड ओ सिंगल 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 बॉन्ड ओ ओ यहाँ पे H, यहाँ पे H, एंड यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन यानी यहाँ से तीन देगा तो ये कौन सी हो गई हमारी फॉस्फोरिक एसिड एंड दिस वन इज़ फॉस्फोरस एसिड यानी यहाँ से क्या गायब हो जाएगा फॉस्फोरस के अंदर ये बॉन्ड हट जाएगा अंडरस्टूड एवरी वन यहाँ पे क्या है एच थ्री यहाँ पे एच थ्री पी ओ थ्री यानी अगर यहाँ पे बात करें हम पी ओ थ्री की तो हम क्या गायब कर सकते हैं यहाँ से यहाँ से इसे हटाएंगे ठीक है और नेक्स्ट सी यहाँ पे कैसे होगा कि डबल बॉन्ड ओ एंड यहां से हमारा चला जाएगा ऑक्सीजन एंड यहाँ से डायरेक्टली कंबाइन कौन होगा हाइड्रोजन तो सिर्फ ये दो हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन वन तो यहाँ से सिर्फ दो हाइड्रोजन यानी यहाँ से टू प्लस वैलेंसी शो करेगा एंड यहाँ से प्लस थ्री की बात कर रहे हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये फॉस्फोरिक एसिड है ये हमारा फॉस्फोरस एसिड ओके तो ऑप्शन कौन सा है हमारा फॉस्फोरस लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन

किसके अंदर अंदर आएगा यानी यानी से गैसेस होंगी तो तो फर्स्ट बात बात करते हैं कॉपर लेस रिएक्टिव हमारा स्टूडेंट अगर हम पहली टेस्ट ट्यूब की बात करें तो फेल हो गई। सेकंड बात करते जिंक? Yes, जिंक करेगा जिंक क्यों रिएक्ट करेगा क्योंकि वो बनाएगा सोडियम जिंकेट बिकॉज इट इज जिंक क्या बनाता है नेचर में तो ये बेस से रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाएगा थर्ड उसने एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑल्सो इज अम्फोटाइक थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एम्फोटाइक नेचर शो करता हैल्सो यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव करा है यहाँ पे जिंक भी एसिड की तरह क्या बनाया सोडियम एल्यूमिनेट क्या बनाया सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम जिंकेट लास्ट क्या है आयरन आयरन पाउडर टू टेस्ट ट्यूब थ्री एफ विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज लेस रिएक्टिव देन ओके बट आयरन डू नॉट बिहेव एज इट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड इट डू नॉट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड या फिर इट डू नॉट बिहेव एज अम्फोटेरिक नेचर वो एम्फोटेरिक नेचर शो नहीं करते जिंक एंड एल्यूमिनियम शो करते हैं तो यहाँ पे एफरवेंस किसकी निकलेगी हाइड्रोजन

क्या किया बर्नर पे रखा आफ्टर टेन सेकेंड्स क्या हुआ वो मेल्ट हो गया इट इज सॉलिबल इन वाटर वाटर में है सोल्यूबल इन कार्बन में टेक्ट्राक्लोरा सोल्यूशन दे आर नॉट मिसिबल एल फोर तो इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट एज वेल एज इन दोल्यूशनूड एक्सेस ठीक है तो तो अब हम बात करते हैं क्या वो एक आयोनिक कंपाउंड है फर्स्ट थिंग इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में ठीक है इलेक्ट्रिस नॉन पोलर का compound, अब non -polar, non -polar किसे बोलेंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जब शेयर हुए हैं तो दोनों तरफ क्या होगी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलेंगे यहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी किसी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं मिलेगा आपको इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पोलर किसे बोलते हैं जब इन अनइक्वल शेयरिंग हो यानी उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाए कि एक के ऊपर पॉजिटिव ज्यादा आ जाएगा तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव यानी अनइक्वली शेयर हुए हैं कैसे शेयर हुए हैं अनइक्वली शेयर हुए हैं तो सेकेंड इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड तो पोलर है यानी इट विल डिजोल्व इन वाटर इट विल नॉट डिजोल्व इन सी सी एल सेकेंड चीज कोवेलेंट कंपाउंड है कैसा कंपाउंड है कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड यानी चार्ज आया होगा अगर मैं बात कर लू एच की भी बात कर लूं ठीक है हम कुछ भी ले सकते हैं एच ले लिया मैंने एक एच प्लस एक सी एल सी के पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर माइनस वन चार्ज है इसके ऊपर प्लस चार्ज है ठीक है ऐसे समझ सकते हैं प्योर एलिमेंट नहीं हो सकता तो ऑप्शन क्या बचता है अब polar. क्योंकि नॉन पोलर सीधा हमें पता है इक्वल शेयरिंग हुई है यहां पर अन इक्वल शेयरिंग क्या बोल सकते हो अन इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पोलर कोवेल एंड कंपाउंडल इन वॉटर बिकॉज दे हैव पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्यू ड्यू टू अन इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है लाइक डिजॉल्व लाइक ओके इट इज अ पोलर बॉन्ड पोलर पोलर में ही सोलिबल होगा ओके मूव टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट ऑर्डर अब हमें बहुत याद करने पड़ते हैं ठीक है जैसे कैल्शियम का एट फोर्टी टू लीथियम का वन एटी गैलियम का ट्वेंटी नाइन एंड मर्की का माइनस थर्टी एट पॉइंट एट थ्री डिग्री सेल्सियस तो विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल विद रेफरेंस टू दैल्टिंग पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे कम किसका है मर्करी देन गैलियम देन लिथियम एंड एट द एंड कैल्शियम यानी फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए लेट्स मूव टू आर लास्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान देना विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक अब हम बात करते हैं सर ए एल सी एल थ्री वी आर टॉकिंग अबाउट ए एल सी एल थ्री सर एल्यूमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा क्लोरिन को आयोनिक बॉन्ड बना होगा वेट अ सेकेंड लेट्स गो थ्रू अ रूल That is called faisans rules. Faisans rules ने क्या बोला है और कैटाइन की साइज स्मॉल है तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनने के चांसेज ज्यादा हो जाते हैं वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड के फेवर ज्यादा हो जाता है बनने का अगर हम बात करें ए एल और सी एल थ्री की तो यहाँ पे क्या होगा ए एल प्लस थ्री ओके ncl -1 यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स साइज छोटा हुआ होगा क्लोरीन का साइज 18 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा इसका साइज ज्यादा होगा यानी एनायन का साइज ज्यादा है बट कैटायन का साइज हमारा क्या है स्मॉल है कैटायन साइज इज स्मॉलर बट एनायन साइज इज ग्रेटर यानी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वही बात करें कैल्शियम एंड क्लोरीन की 18 18 इलेक्ट्रॉन ना तो कैल्स किसका साइज नहीं बढ़ा अगर हम दोनों की तरफ जाके देखें तो कि सर जो कैल्शियम का साइज़ है वही उधर क्लोरीन का साइज है यानी कैटाइन एनाइन की साइज सेम है तो हम क्या बोलेंगे ये कैसा बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है सेकेंड एम अगर हम मैग्नीशियम की बात करें ठीक है लेट्स मूव टुअर्ड्स आर मैग्नीशियम ठीक है तो मैग्नीशियम के अंदर अगर आप बात करोगे तो मैग्नीशियम विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स सर यहाँ पे भी तो साइज ऊपर नीचे हो सकती है बट नहीं मैग्नीशियम फॉर्म्स

ठीक है तो पहली बात करते हैं कि साइज ऑफ लिथियम एटम अगर हम लिथियम के एल की बात करें लिथियम एटम एंड आयन इज वेरी स्मॉल सो इट हैज वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर द पॉलराइजिंग पावर ऑफ एल प्लस आयन इज क्वाइट हाई एंड रिजल्ट्स इन कोवेलेंट कैरेक्टर फिर से फैजान रूल की तरफ चल जाओ ठीक है एज लार्ज चार्ज ऑन कैटायन कैटायन विद शूडो

पॉसिबिलिटी बढ़ाता जाएगा कि वो उतना ज्यादा ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा होगा ठीक है की की साइज 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 अगर अगर स्मॉलर द द मोर इज पोलराइजेशन पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा छोटी है जितनी ज्यादा छोटी जितनी ज्यादा साइज छोटी अब यहां बात करें लिथियम की साइज बहुत छोटी है यानी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती जा रही है ठीक है एनाइन की साइज अगर ज्यादा बड़ी है तो मोर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी दूसरे को पोलराइज कराने की कैपेबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन कौन-कौन से हैं कि LiCl एंड AlCl3 यानी फर्स्ट एंड फोर्थ फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड यानी उनके बीच में कोई आयनिक बॉन्ड नहीं जबकि क्या बना है कोवलेंट बॉन्ड बना है ठीक है तो होप यू Liked all these questions एंड लेट्स गो थ्रू एवरी सिंगल क्वेश्चन हर क्वेश्चन से देखना है समझना है कि किस टॉपिक से कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं हमारे पास ठीक है हर एक क्वेश्चन को चेक करना है एंड सभी चैप्टर्स को हम इसके अंदर गो थ्रू होंगे ऐसा नहीं कि सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं सारे क्वेश्चन हर चैप्टर के जितने भी पी वाई क्यूज आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वी गोना डिस्कस दैम वी गोना सॉल्व दैम ओके सो होप यू लाइक इट सी यू इन द नेक्स्ट क्लास